आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के वो अस्मा हुस्ना जो मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दिए गए और उन्होंने बकसर उसका वर्द किया तो मराते बेनबुव्वत उनके तय हुए और मौजजात का जो इंसराम हुआ। उनमें से आज हम बात करेंगे 18वें नंबर पर। 18वां नंबर जो है वो इसमें जो है दयानी है जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम आद की तरफ मबूस किए गए थे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बड़े जलील कदर पैगंबर हैं तो उनकी जब जो है वो तकमील नबूवत के मरातिब तय होने थे तो उनको ये वर्द दिया गया और उन्होंने बकसर जब इसका वर्द किया तो मरातिब नबूवत तय हुए और मलाइका मुवक्किलीन उनके मुसफ़र हुए और उनके मौजज़ात का इंसराम इंतजाम करने लगे। तो बड़ा बाबरकत नाम है और ये जो है इसम जो है इसमें जमाली है, इसमें जमालियाती रंग है क्योंकि बाद अस्मा जो है वो जलाली होते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला के जलाल का रंग होता है और बाद जमाली होते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला के जमाल का रंग होता है। तो ये इसम जो है इसमें जमाली है। बड़ी तासीरात है इसकी। सबसे बड़ी तासीर इसकी है कि अमराज के लिए बहुत मुफीद है, खासतौर पर बर्स का जिसको मर्ज हो जाए। बर्स का मतलब आप जानते हैं कि जिल्द के ऊपर जो सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं और ये ऐसा मर्ज है, सुना ही है कि इल्मे तिब के अंदर इसका कोई इलाज नहीं है। अतीबा उसके इलाज देते हैं, डॉक्टर मेडिकल साइंस भी मेहनत करती है लेकिन ये धब्बे जो है इसका कोई इलाज नहीं है। और ये इतना बाबरकत नाम है कि इस के अंदर इसका इलाज मौजूद है। और ये जो नाम है वो ये है याद दयान इबादी, ऐ बंदों को बदला देने वाले। कुल यकूम खाजियन, हर चीज उसके सामने चाहे वो झुकी हुई है। लिरहमती व रगबती, जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से और अपनी रगबत से याद दयानों, ऐ बंदों को बदला देने वाले, ये वो नाम है। तो ये इसमें दयानी नंबर 18 तो गोया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दिया गया। तो इसकी ये तासीर है कि बर्स का जो मरीज है एक सादा कागज ले, सफेद उस पर लकीर है, सादा कागज के ऊपर मुश्क और ज़ाफरान की रोशनी बनाए, उसमें थोड़ा सा जर्दे का भी रंग डाल दें। मुश्क अगर नहीं मिल रहा तो उसकी जर्दा और जो वो ज़ाफरान को मिक्स कर लें, लेकिन मुश्क होना चाहिए तो बहुत अच्छा है, भले महंगा मिलता है बहुत से मुल्कों के अंदर। उसकी रोशनी बना के लकड़ी के कलम के साथ आपने जो है वो उस कागज के ऊपर ये नाम लिखना है, लिख के उसका जो है वो तावीज़ सा बना के उस मरीज के जो है अगर लड़का है मर्द है उसके सीधे बाजू में बांध दें, अगर औरत है उसके उल्टे बाजू में बांध दें। फिर तमाशा देखें कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिल्द के कलर को बिल्कुल शफाफ कर देंगे, उसके ये जो है बर्स के मर्द के धब्बे खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त तासीर है इसमें। और दूसरी तासीर इसमें यह है कि कोई शख्स सफर का इरादा कर रहा है लेकिन दूसरा शख्स चाहता है कि ये सफर ना करे। और होता बस औकात बीवी चाहती है हस्बैंड जो फलां जगह ना जाए और हस्बैंड वहां जाने के लिए मजीद है मसलन, या ये कि किसी ऐसी जगह तबादला हो रहा है कि उस जगह पर जो तबादला ये चाहता नहीं है लेकिन कंपनी के लिए आपका तबादला वहां है, उस सफर को रोकना चाहते हैं। तो एक आदमी इरादा सफर करे और दूसरा चाहता है इसका इरादा सफर फंस हो जाए, रुक जाए, उसके लिए इसमें बड़ी जबरदस्त तासीर है। उसका तरीका यह है कि ये हिरन की झिल्ली मिलती है आमतौर पंसारी की दुकान पे, हिरन की झिल्ली के ऊपर आप ये नाम लिखें और स्याही कोई मुश्क और ज़ाफरान की बनेगी, मुश्क ज़ाफरान और थोड़ा सा जर्दे गरम भी मिक्स करें जरा गाढ़ी हो जाए, तो हिरन की झिल्ली के ऊपर आप ये नाम लिखेंगे याद दयान इबादी कुल यकूम खाजन रहमती व रगबती याद दयान, ये लिख के उसका तावीज़ सा बना लें। तो जिस बंदे को रोकना मकसूद है उसके घर के क़िबले की तरफ की जो दीवार है उस दीवार में किसी जगह उसको फंसा दें या उस तरह को सामान पड़ा उस सामान में के रख दे उसके क़िबले की तरफ दीवार। और जो यही इसम 30 दिन तक 120 मरतबा उसका रोजाना वर्द किया करें, वर्द करें अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के आमीन तक और दुआ करते रहें 30 दिन के लिए शुरू करें। तो ये मैक्सिमम 30 दिन है लेकिन काम आपको उससे पहले हो जाएगा कि वो इरादा उसका फसा हो जाएगा और वो सफर नहीं करेगा। ये जबरदस्त तासीर। और तीसरी तासीर ये है कि कोई मुसाफिर सफर में जा रहा है उसको खतरा है कि सामान चोरी ना हो जाए,
या जहाजों पे आपको पता सामान रख देते हैं, पता चले ये सामान पहुंचा नहीं, अब अगली फ्लाइट में पहुंचेगा, आपको घर में देंगे, काफी ये सामान आगे पीछे हो जाते हैं, उसके लिए इसमें जबरदस्त तासीर है। इसी तरीके सादे कागज के ऊपर आप लिखें मुश्क और जाफरान की रोशनी से लिख के अपने सामान के अंदर डाल दे, किसी एक ब्रीफ केस के अंदर या किसी सूट केस के अंदर ये तवील एक जगह डाल दे, बस अब ये सारा सामान जो आपके जितना भी है इंशाल्लाह बिल्कुल बखैर आफियत वापस पहुंचेगा और रास्ते में कोई चोरी होने का कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी गैबी तौर पर उसके अंदर भी है, इसकी गैबी हिफाजत और आफियत का फैसला कर देते हैं, ये इसमें तासीर। और एक तासीर बड़ी जबरदस्त है कि घरों में से चीजें चोरी हो जाती हैं, अब घर में से चोर आके चोरी करने, बाद फंक्शन घरों में होते हैं तो रिश्तेदार भी आ गए, अपने पराये भी आ गए, अब शोर शराबे का पता चला किसी का जेवर गुम हो गया, किसी की फला चीज चोरी हो गई, तो घर के मालो असबाब में चोरों से हिफाजत के लिए इसकी एक कमाल एक मौजादी तासीर है। आप इसी तरीके से सादे कागज पे या हिरन की झिल्ली पे ये लिखने के बाद मुश्को जाफरन की रोशनी से उसको लपेट के आपके घर में किसी भी जगह पर किसी एक सूट के अंदर सूट केस में रख दें या कपड़ों की अलमारी में वहां किसी जगह एक जगह अटका दें, रख दें, घर में आपने रख दिया। अब ये इसमें ऐसी जबरदस्त तासीर है कि अगर कोई चोर उस घर से चोरी करने की कोशिश करेगा वो अंधा हो जाएगा, उसको नजर कुछ नहीं आएगा, बहरा हो जाएगा, उसको सुनाई कुछ नहीं देगा, तो ये इसके ऐसी तासीर है। जब वो अपना इरादा तर्क करेगा अब अल्लाह उसको आफियत देंगे, लेकिन अगर उसने ये इरादा किया कि नहीं मैंने माल चोरी करना है तो उसको रास्ते नहीं मिलेगा निकलने का, उसको कुछ सुनाई सुझाई नहीं देगा, ये ऐसा अफेक्ट करता है ये नाम। और ये बहुत से बुजुर्गों इसके तजर्बात किए हैं कि चोर घर में आए और अंधे बहरे हो गए और चीखें चिल्लाने लगे, और मेरे नाना जो अपने वक्त के वली कामिल हैं उनके बड़े बड़ी करामात हैं, तो उनके घर में ऐसा हुआ एक वाकया, चोर आए तो चोर अंधे हो गए, चीखें चिल्लाने लगे तो नाना जी उठे और उन्होंने देखा क्या हो गया, पता चला पैरों में गिरे के माफ कर, नाना जी ने माफ किया, अब उनको नजर आया, मतलब ये अल्लाह वालों ने मेहनतें की होती हैं। तो खैर ये तो मैं ये दिल की तकवीत के लिए छोटा सा मैंने वाक्य बयान कर दिया कि इतनी जबरदस्त तासीर है कि चोर की जो है करीब नहीं लग सकता तासीर। और एक तासीर इसके अंदर बड़ी अजीब और गरीब है, वो ये कि कोई चाहता है कि मेरी दिल की जो मुरादें हसरतें पूरी हो जाए, क्योंकि ऐसी मुरादें मैं पूरी करना चाहता हूँ पूरी नहीं होती, और जैसे जिंदगी के लम्हात गुजरते चले जा रहे हैं, उसके लिए इसमें जबरदस्त तासीर है कि 5000 मरतबा इसे रोजाना पढ़ना है, 5000 टाइम इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर जो है एक मरतबा फातिहा, और ये जो है वो 19 दिन की नियत से शुरू करे, 19 डेज की नियत से शुरू करे और अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह 19 दिन के अंदर ही वो देखेगा उसकी जो नेक तमन्नाएं वो बर आने लगी हैं, पूरी होने लगी हैं। अगर 19 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा तो कम से कम जरूर उसके इशारे ऐसे मिलने लगेंगे कि पॉजिटिव साइन आ गए, तो उसको 19 दिन और बढ़ाना है, 19 दिन और करना है, तो जो भी उसकी नेक तमन्नाएं होंगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी कर देंगे, ये जबरदस्त तासीर है। और उसके अलावा जो है अगर ये रोजाना इंसान 130 मरतबा इस नियत से पढ़ ले कि अल्लाह सारी मेरी आफती मुसीबतें दूर हो जाएं, मेरी जो भी चाहते हैं पूरी हो जाएं, और माल और सबाब की हिफाजतें हो जाएं, आल औलाद के अखलाक की हिफाजतें हों, जो गया कि मजबूरी तौर पर सारी नियत करके 130 मरतबा रोजाना वर्द करे, अव्वला एक मरतबा सूरह फातिहा और 92 डेज की नियत से शुरू कर दे, आप 92 डेज के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह मैक्सिमम आपकी जो है वो हजरत दुआएं पूरी हो गई है। ये इसके अंदर तासीर बहुत खूब बहुत खूब हजरत, ये जो आज आपने बात फरमाई उसमें जो बड़ी बात जो मैंने नोट की वो ये कि शुरू ही में आपने दो चीज़ें ऐसी बता दी, एक तो बरस की बीमारी और फिर आपने सफ़र को रोकने वाली बात, और फिर आपने सामान की हिफाजत घरों के अंदर की बात, तो आपने इसमें ये ज़्यादा नहीं कहा कि इसको कितना पढ़ना है, हज़ारों दफ़ा पढ़ना है, आपने एक तरकीब बता दी तावीज़ बनाने की,
और वो तावीज़ बना के लिख लें तो एक ही दफ़ा लिखना है, एक ही दफ़ा लिख के आप जो सफ़र करने वाले हैं वो सूट केस में डाल दें और छोड़ दें, जब भी सफ़र करें उन्हीं सूट केसों में, तो उनके सामान की हिफाजत है। एक ही दफ़ा लिख के अपने घर में लगा दें, उससे हिफाजत है। और फिर ये बर्स का मर्ज जो है, ये एक ऐसा मर्ज है जिस ला इलाज आपने फरमाई है, तो उसके लिए भी बड़ी करामत है कि वो भी एक दफ़ा लिख के रख ले तो उनका भी काम हो गया। तो और दिल की मुरादें तो बहुत हैं लोगों, दिल की मुरादों के लिए 19 दिन और 5000 दफ़ा या 38 दिन और 5000 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये काम हो जाए। ये और अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 130 दफ़ा दिन में कर लें और 92 डेज के लिए शुरू हो जाएं अपने लिए हसरतें और मुरादें पूरी करवा लें। तो ये इतनी काम की बातें हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लिखी भी नहीं मिलती, पढ़ने में नज़र नहीं आती, कहीं सुनने में नज़र नहीं आती, ये कश्कोले मार्फत में मुफ्ती मुनीर अहमद अखुंद साहब ने बताते हैं, तो ये यही पता लगता है। इसलिए इस प्रोग्राम को देखना कितना ज़रूरी है ये आप जानते हैं।